गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स में कि प्लांट्स को उनके स्टेम के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं हम अलग अलग टर्म्स में। तो हमने पढ़ा था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में, और जो वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं उनमें क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक पूरे प्लांट की कि भाई एक प्लांट जो होता है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसकी बॉडी को। तो इस पिक्चर में आप सब देख सकते हैं कि हमने एक प्लांट को उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इधर राइट साइड में देखिए, फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट, स्टेम और रूट है। अब रूट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको मिला के कहते हैं रूट सिस्टम, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। और जो ऊपर जो स्टेम वाला पार्ट है उसका जो पूरा अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जोड़ के उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट सिस्टम के बारे में बात करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि रूट क्या होता है, रूट के बारे में हमें समझना है। देखिए, आपने प्लांट देखा ही है, उसको अगर हम उखाड़ के देखें तो उसकी जो ग्राउंड के अंदर जो पोर्शन होता है उसे हम रूट कहते हैं, जो जड़ होते हैं किसी भी पौधे के। सो द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये सॉइल के नीचे है, सॉइल के अंदर है, इट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। अच्छा, लेकिन रूट हो गया। अब बहुत मतलब एक ही रूट तो नहीं होता है एक प्लांट के पास, एक ही रूट में अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। पार्ट्स हो जाते हैं जैसे कि ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग मतलब कि उसकी अलग अलग छोटे छोटे रूट्स उसी रूट से, जो मेन रूट है उससे निकलने लग गए। एक एक ही रूट नहीं रहा, बहुत सारे रूट हो गए। तो जब बहुत सारे रूट मिलके काम करते हैं तो उस चीज को कह देते हैं रूट सिस्टम, कि पूरा एक सिस्टम है जो कि काम कर रहा है प्लांट के लिए। अब रूट सिस्टम की बात हो गई तो हम रूट सिस्टम को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टैप रूट लेफ्ट साइड में है, फाइब्रस रूट राइट साइड में है। इनमें बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कि जो टैप रूट है उसमें एक बीचों बीच लंबा सा रूट जा रहा है, मेन रूट, और जो दूसरा वाला फाइब्रस रूट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सारे रूट जो हैं एक ही जगह से स्टार्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टैप रूट सिस्टम में जो हमने अभी देखा, जो मेन लंबा सा रूट जो ग्राउंड के बीचों बीच जा रहा था उसे हम कहते हैं रेडिकल या प्राइमरी रूट। प्राइमरी का मतलब वो होता है जो सबसे पहले आता है। जैसे प्राइमरी क्लासेस होती हैं तो फर्स्ट से फिफ्थ कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले बच्चा पढ़ना शुरू करता है। तो उसी तरह ये जो प्राइमरी रूट है ये सबसे पहले उगता है और इसका दूसरा नाम होता है रेडिकल। रेडिकल जो है शुरू में, जो उगना शुरू ही हुआ है जो रूट, उसे रेडिकल कह देंगे प्राइमरी रूट को। सो दिस इज द रूट दैट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम द सॉइल। फर्स्ट इमर्जेस मतलब सबसे पहले ये सॉइल से निकलता है, सॉइल के अंदर जाता है। फिर द रेडिकल एनलार्जेस एंड ग्रोज एंड फॉर्म्स द टैप रूट। मतलब जो शुरू में रेडिकल था वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक टैप रूट बना लेता है लंबा सा। और टैप रूट के साइड में जो छोटे छोटे रूट्स थे उन्हें कहते हैं लेटरल रूट्स। लेटरल मतलब साइड में, साइड से जो निकलते हैं रूट्स वो है लेटरल रूट्स। सो दीज आर द स्मॉल ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द टैप रूट। और जो टैप रूट्स हैं ये लॉन्गर होते हैं साइड वाले रूट से। ऑब्वियसली अभी हमने पिक्चर में देखा कि जो टैप रूट था वो बीचों बीच जा रहा था और जो साइड वाले रूट्स थे वो छोटे छोटे ब्रांच आउट हो रहे थे। अब बात आती है कि फंक्शन क्या होता है एक पर्टिकुलर टैप रूट का। मतलब टैप रूट जो होता है उसका बहुत सारा फंक्शन होता है। एक तो होता है कि नॉर्मल जो रूट का फंक्शन है, पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना ग्राउंड से प्लांट को देना, प्लांट की बॉडी को। लेकिन एक और फंक्शन होता है, वो होता है स्टोरिंग फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा फूड कंपोनेंट्स में। तो जो खाना बनता है लीव्स में वो जाके रूट्स में स्टोर हो जाता है, ताकि प्लांट को जब कभी बाद में ज़रूरत पड़े तो वो उस रूट से ले पाए। लेकिन ये जो रूट्स हैं प्लांट्स के अलावा हम ह्यूमन्स भी यूज़ कर लेते हैं खाने के लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विथ टैप रूट, ऐसे प्लांट्स जिनमें कि टैप रूट सिस्टम मिलता है उसके एग्जाम्पल है रेडिश, मैंगो, कैरेट, बीट रूट एंड टर्निप। इस पिक्चर में आप देखिए एक मैंगो ट्री का टैप रूट सिस्टम है, जो मैंगो ट्री पूरा बड़ा होके ग्रो हो चुका है। और दूसरा जो है रेडिश टैप रूट सिस्टम है। मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि रेडिश जो है वो ही टैप रूट है एक प्लांट का।
नॉर्मल जो रूट आप यहाँ पे मैंगो का देख रहे हैं, एक बीच में बड़ा सा रूट है और साइड में दूसरे ब्रांचेस निकल रहे हैं, वही बीच में बड़ा सा रूट जो है वो यहाँ पे रेडिश का व्हाइट वाला पोर्शन है। तो रेडिश का व्हाइट वाला पोर्शन ही टैप रूट बन रहा है और यही पोर्शन बाद में जो है फूड को स्टोर करके स्टोरेज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये दोनों जो रेडिश की हम बात कर रहे हैं, टैप रूट की और स्टोरेज की, वो सेम ही रेडिश का पार्ट है जो व्हाइट वाला है। दूसरा था हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें कि टैप रूट जैसा कुछ भी नहीं है, बीच में कोई भी बड़ा सा रूट निकल नहीं रहा है, इसमें जो सारे रूट्स हैं वो इक्वल हैं और वो बस साइडवेज ब्रांच आउट हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दे डू नॉट हैव एनी प्राइमरी रूट और मेन रूट, एंड इसमें रेडिकल इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ मास ऑफ रूट्स। शॉर्ट लिव्ड है मतलब कि रेडिकल बड़ा होके टैप रूट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो ब्रांच आउट हो जा रहा है मास ऑफ रूट्स में। मास ऑफ रूट्स मतलब बहुत सारे जड़ों का एक बन जाता है स्ट्रक्चर उलझा हुआ एक दूसरे में, तो वो हो जाता है मास ऑफ रूट्स। और ये सारे सिमिलर साइज के होते हैं, एक ही साइज के हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा रूट नहीं है इनके बीचों बीच। और क्या होता है, फाइब्रस रूट में जो रूट्स होते हैं कुछ, वो कभी कभी स्टेम के बेस से भी अराइज होते हैं, जैसा हम अभी देखेंगे कुछ आगे शुगर केन में होता है कि इसमें स्टेम के बेस से भी फाइब्रस रूट ग्रो होने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे चले जाते हैं सॉइल के अंदर। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, उसके एग्जाम्पल हैं ग्रास, स्वीट पोटैटोज, अनियन, शुगर केन एंड मेज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में ग्रासेस हैं, ग्रासेस के नीचे देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर मतलब उलझा हुआ जाल सा फैला हुआ है जड़ों का। तो ये है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम, मास ऑफ रूट्स। और दूसरा जो है हमारा लेफ्ट साइड में, ये है शुगर केन, शुगर केन के जो रूट्स हैं साइड में, और सबसे राइट साइड में है अनियन का फाइब्रस रूट। अब बात आती है कि रूट्स की बात तो कर ली, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है उनका स्ट्रक्चर, लेकिन जरूरत क्या है रूट्स की प्लांट्स को? तो ज़रूरत ये है प्लांट्स को कि रूट्स के बिना प्लांट्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वही ग्राउंड के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के स्टेम और लीफ तक पहुंचाने के लिए। और जब लीफ तक पहुंचेगा पानी, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा और खाना बनेगा और प्लांट लिविंग रह पाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द ग्राउंड विच इज डन बाई द रूट्स। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रूट्स को सॉइल से ही मिलते हैं, तो प्लांट को रूट्स की ही जरूरत है उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर है दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड होल्ड देम फर्मली। क्योंकि रूट्स का इतना बहुत बड़ा सा जाल फैल गया है तो वो सॉइल के बीचों बीच एकदम फंस चुका है, तो इस तरह जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से मजबूती से जमीन में पकड़ बना के रहता है। और फोर्थ है रिड्यूस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो सॉइल का पार्टिकल है या सॉइल जो है वो धीरे धीरे धंसने लगता है या बहने लगता है पानी के साथ। तो जब रूट्स रहते हैं तो वो सारे सॉइल के पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, तो जो पानी है वो सॉइल को बहा के नहीं ले जाता, इससे प्लांट्स को कोई लॉस नहीं हो पाता और इसे हम कहते हैं कि सॉइल इरोजन को रोक लिया रूट्स ने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे एक वीडियो है छोटी सी, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे रूट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। Let us perform an activity to demonstrate the importance of roots in the life of a plant. Take two plants, A and B. Cut off the roots of plant B. Plant both the plants A and B in the soil and water them every day. After a few days, plant A appears as healthy as it was on the first day, whereas plant B appears wilted. This proves that roots absorb water and minerals from the soil and transport them to the other parts of the plant. Now try pulling the two plants out from the soil. Plant A is firmly attached to the soil because of its roots, so it is difficult to pull it out. However, plant B, that has no roots, comes out easily. This shows the roots anchor plants firmly in the soil. अब बात आती है, जैसे शुरू में पढ़ा था कि रेडिश जो है वो एक टैप रूट भी है और वो स्टोर भी कर रहा है फूड को, तो जो दो काम कर रहा है मतलब कि रूट में कुछ चेंज आया है, तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशंस इन द रूट। मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है चेंज होना।
तो रूट जो है वो आपका पानी एब्जॉर्ब करने के अलावा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के अलावा कोई और काम करे, इसके लिए उसमें थोड़े से बदलाव आते हैं। तो क्या होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, द मॉडिफिकेशंस हेल्प टू परफॉर्म सम डिफरेंट फंक्शंस देन एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो मॉडिफिकेशन होता है वो मेनली दो तरह से होता है, दो कारणों से होता है, दो चीज़ों को करने के लिए होता है। पहला होता है मॉडिफिकेशंस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, अभी अभी देखा हमने। इसमें क्या होता है, द रूट्स बिकम थिक एंड दे स्टोर फूड इनसाइड देम, दे आर यूज्ड बाय एनिमल एंड ह्यूमंस एज फूड सोर्स। एग्जांपल है कैरेट, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो, और रेडिश तो है ही। ये हैं आपके टैप रूट्स जो कि फूड को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कैरेट एंड बीटरूट, गाजर और चुकंदर, और इधर है टर्निप जो कि शलगम। ये सारे टैप रूट हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन होता है वो मॉडिफिकेशन होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए प्लांट के स्टेम को। ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने वाले रूट्स बनते हैं प्लांट से, ये बनते हैं, ये मतलब उगना शुरू होते हैं ब्रांच से। जो तना है, जो कल हमने पढ़ा स्टेम है, उसका जो मेन जो ब्रांचेस हैं वहां से एक अलग तरीके के रूट्स नीचे की तरफ सॉइल की तरफ जाने लगते हैं, डाउनवर्ड्स। तो इन रूट्स को कहते हैं प्रॉप रूट्स, क्योंकि ये नकली हैं तो इन्हें प्रॉप कहा जाता है। प्रॉप का मतलब बेसिकली नकली चीजों का यूज करना होता है। तो ये नकली रूट्स हैं ये, क्योंकि ब्रांच से डेवलप होना, ग्रो होना शुरू किए हैं। तो इनका काम क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द स्टेम एंड हेल्प्स विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स। जब बरसात ज्यादा हो या हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही हो, तब ये जो रूट्स हैं ये स्टेम को सपोर्ट करते हैं गिरने से और टूटने से। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री हमारा बरगद का पेड़ होता है। इसमें आपने देखा होगा कि ब्रांच से बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करके फिर सॉइल में चले जाते हैं। तो ये जो है, क्योंकि पेड़ बहुत चौड़ा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये उगते हैं। और दूसरी तरफ है आपके शुगर केन्स। शुगर केन में भी स्टेम से ही थोड़े थोड़े रूट्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं और ये धीरे धीरे सॉइल की तरफ चले जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे प्रॉप रूट्स। तो ये आज हमने पूरा पढ़ा रूट्स के बारे में, उनके मॉडिफिकेशन, उनके फंक्शंस के बारे में। और आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड थैंक यू।